ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करते रहना, आपको इन्फॉर्म्ड और नॉलेज रखना ताकि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतर डिसीजंस ले सकें स्टडी वीजा को लेके। सो आज सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम डिलीवर करते रहते हैं। तो आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन है। कौन कौन से इंटेक्स हैं जिसमें आप आने वाले दिनों में अप्लाई कर सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो डिस्कशन आज का मेन डिस्कशन रहेगा इस शो के अंदर। सो अगर आप ब्रॉडवे के साथ अपने प्रोफाइल्स को डिस्कस करना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं अपनी ऑप्शंस और कैसे आप वीज़ा ले सकते हैं, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है आपके प्रोफाइल पे वीज़ा, तो डेफिनेटली आप टीम से कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पे, नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस में आप जाके मिल सकते हैं। अगर आप कहीं दूर से हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप broadwayvisa.com हमारी वेबसाइट पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें, हमारी सेपरेट डेडिकेटेड ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। सो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन सवाल है तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, कोशिश रहेगी लगातार आप सबको रिवर्ट करने की। सो ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट इनटेक की अगर बात करें तो अभी भी फेब इनटेक ओपन है। यस, ऑस्ट्रेलिया में अभी भी फेब इनटेक पॉसिबल है। जो बच्चे फेब इनटेक कैचअप करना चाहते हैं, 28th की क्लासेस हैं, उससे पहले पहले आपका GT, COE और ऑफर लेटर तीनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। यू नीड टू मीट अप द टीम क्विकली। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो क्लासेस हैं वो मार्च इनटेक से रहेंगी और कुछ की फेब एंड से रहेंगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट इनटेक है आपके लिए वो है मई और जून इसलिए क्योंकि आधी यूनिवर्सिटीज़ का क्लासेस जून में स्टार्ट होंगी, आधों की मई में स्टार्ट हो जाएंगी। सो मई एंड जून इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन जो आप ग्रैब कर सकते हो और ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, खासकर 10+2 स्टूडेंट जो 2020 पास आउट है। अगर वो ये मिस कर जाएंगे तो वो सितंबर में एडमिशन नहीं ले सकेंगे क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 2021 और 2022 पास आउट को ही एंटरटेन किया जाएगा। सो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें 10+2 वाले स्टूडेंट जो ईयर 2020 में पास आउट हैं, कि उनके लिए जो मई जून इनटेक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशल। उसके बाद नेक्स्ट इनटेक तो डेफिनेटली सेप्टेम्बर और अक्टूबर रहेगा। सो वो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी आपके पास प्रेजेंटली फेब मार्च और मई जून की ऑप्शंस हैं। डू नॉट मिस इट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब ऑस्ट्रेलिया में भी जो एग्रेसिवली आपको स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, फेब इनटेक आप पकड़ने में कामयाब होते हो तो इस टाइम एम्बेसी आपको एम्बेसी फ़ी भी रिफंड करेगी अगर आपका वीज़ा आने के बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे, तो वो भी एक रिबेट आपको 35-40,000 डॉलर रुपीज़ का मिलेगा। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी और इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशंस को ब्रॉडवे के साथ असेस करें और बेफिक्र होकर अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया की आप एप्लीकेशन ब्रॉडवे के साथ चला सकते हैं और आपके सारे खर्चे होंगे वीज़ा लगने के बाद, मतलब पहले वीज़ा और फिर आपने अपने खर्चे पे करने हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।